Hello students, good morning. Today I am going to revision of your chapter. Students, आज की वीडियो में हम लोग रिविज़न करेंगे अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट से. तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या था? अल्फ़ाबेट फन. क्या था? अल्फ़ाबेट फन. ये हम लोगों ने पढ़ा था. तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट जानते हैं क्या होता है. देखिए क्या है. इन इंग्लिश वी हैव अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स ऑर्डर. अंग्रेज़ी में हमारे पास लेटर्स का जो एक पूरा सेट होता है जो कि एक ऑर्डर में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं. और अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. कितने होते हैं? 26 होते हैं. ओके. और ये 26 लेटर मिलके क्या हम बनाते हैं? अल्फ़ाबेट फैमिली बनाते हैं. हम इन लेटर्स को, इन मतलब सभी 26 लेटर्स को टू टाइप से लिख सकते हैं. इनके दो तरीके होते हैं लिखने के. फर्स्ट है हमारा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर. वैसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये तो आप लोगों ने केजी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ बस हमारा रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में हमें ये भी देखना है. ओके. अब देखिए इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं. ये तो हमने लिखने का तरीका बता दिया कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं. एंड इसके जो टाइप्स होते हैं वो भी दो होते हैं, वॉवल्स एंड कंसोनेंट. तो वॉवल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा. वॉवल्स क्या होता है? वॉवल्स जो होता है वो हमारा होता है ए, ई, आई, ओ, यू. ये हमारा वॉवल्स होता है. एंड इन पांचों लेटर को छोड़ के बाकी के जो लेटर्स होते हैं उसे हम कंसोनेंट्स कहते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको रिवाइज हुआ, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. और जो कंसोनेंट होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू. इसके अलावा जो भी लेटर्स होते हैं वो हमारे कंसोनेंट होते हैं. अब एक बार हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को जान लेते हैं. द ऑर्डर इन विच वी रिकॉल ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फैमिली इज द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अब देखिए जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है ये वर्ड में हमारा वो होगा. एग्जाम्पल आप लोग देखिए जरा क्या है. वेन वी राइट ए बी सी डी ई, तो ये जो है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है. और अगर हम लिखते हैं ए डी पी सी क्यू, मतलब ऐसे करके कुछ भी लिखते हैं, तो वो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है. अब आइए इसको हम लोग कुछ वर्ड के माध्यम से देखते हैं कैसे इसे अरेंज करना है. तो ये जो एक्सरसाइज है इसे आप लोग खुद करोगे. पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि इसमें करना क्या है. देखिए हमारा इसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप भी देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है. बैट, एंट, कैट, डॉग, पेन. तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं. ओके. तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए क्या किया गया है? देखिए सबसे पहले हमें देखना क्या है, ये जो वर्ड है इनका फर्स्ट लेटर देखना है. तो फर्स्ट लेटर से ही हम इसे अरेंज कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमारा एंट आ जाएगा, उसके बाद बैट आ जाएगा, उसके बाद फिर से कैट आ जाएगा, और डॉग और पेन. तो ये हो गए हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. कंप्लीट तो हुआ ही होगा, रफ पे रिवीजन करना है हमारे साथ. ओके. एंड ग्रुप में सेंड करना. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.